सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और अब आपको बताते हैं अलकायदा की कश्मीर वाली साजिश कौन सी है जो इस वक्त सबके सामने आ चुकी है। तो इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अलकायदा ने कश्मीर को आजाद करने का राग छेड़ा, तालिबान को दिए बधाई संदेश में कश्मीर का जिक्र था, कश्मीर को दुश्मनों से आजाद करवाने का एजेंडा बनाया गया। कश्मीर के अलावा सोमालिया, यमन और लेवंत की भी बात की गई, दुनिया के अन्य इस्लामिक जमीनों को छुड़ाने की भी योजना बनाई गई। तो अलकायदा की कश्मीर वाली साजिश इस तरह से है। और इसलिए पहली जो खबर आपको बताई थी हमने कि कैसे आतंकी घुसपैठ की जो घटनाएं हैं वो और बढ़ रही हैं पीओके में, यानी अलकायदा का कश्मीर प्लान अब साफ हो गया है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। अलकायदा दुनिया भर के इस्लामिक जमीनों को आजाद करने का राग छेड़ चुका है और उसने खास तौर पर कश्मीर, सोमालिया, यमन का जिक्र किया। आप ऐसे समझिए ये प्लानिंग कितनी बड़ी है। कश्मीर का जिक्र हुआ, सोमालिया का जिक्र हुआ, यमन का जिक्र हुआ, तो ये कश्मीर प्लान है जिसमें पाकिस्तान के रोल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इसी पर लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। अलकायदा का एक बड़ा आतंकी तालिबान में घूमता हुआ नजर आता है, फिर दो आतंकियों की मुलाकात होती है, कश्मीर को लेकर चर्चा होती है और उसके बाद से कश्मीर, यमन, सोमालिया को लेकर अलकायदा का प्लान एक्सपोज होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।